हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने अपना इंग्लिश का ग्रामर का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम बताएंगे यूजेस ऑफ सम एक्सिलरी वर्ब्स। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने यूजेस ऑफ सम एक्सिलरी वर्ब में हमने इज एम आर के बारे में जाना था कि कैसे हम इसका यूज करके टेंस मतलब आगे कोई सेंटेंस बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम आपको बताएंगे कि वॉज एंड वर्ब का कैसे यूज करेंगे हम पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम। ये देखिए फ्रेंड, यूज ऑफ सम एक्सिलरी वर्ब्स ऑफ पास्ट टेंस, ये दिख रहा है आपको। वॉज एंड वर्ब का प्रयोग हम मतलब कि वॉज को पहले हम ये जान लेते हैं कि वॉज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं। वॉज को हम था या थी बोलते हैं एंड वेयर को थे बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब यही होता है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि मतलब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कि वॉज एंड वेयर का कैसे यूज कर सकते हैं हम। रवि वॉज अ टॉल बॉय, रवि एक लंबा लड़का है। फ्रेंड्स, इसमें देखिए जो वॉज है ये हमारा एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब एक तरीके से बोला जाएगा। कि इसका हम कैसे यूज करें हम, पहले हमने क्या लिखा है, इसमें सब्जेक्ट लिखा है, फिर सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज का सहारा लिया है, फिर हमने बाद में अपना सेंटेंस पूरा किया है वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के साथ। फ्रेंड्स, दूसरे वाला हम देख लीजिए, दे वेयर गुड फार्मर्स, वे अच्छे किसान थे। फ्रेंड्स, इसमें देखिए हमने वर्ब का यूज किया है, देख के डायरेक्ट बाद हमने वर्ब का यूज किया है, फिर हमने अपना बाकी का वर्ड कंप्लीट किया है सेंटेंस के लिए। वर्ब का यूज यहाँ पे हम एक्चुअली वर्ब में किए हैं, हेल्पिंग वर्ब हो गया। द स्नैक वॉज इन द फील्ड, सांप जो है खेत में था। द फ्रेंड्स, देखिए इसमें जो द स्नैक है ये हमारा सब्जेक्ट है, करता है, कार्य करने वाला करता। वॉज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है और फील्ड जो है जिसपे हमारा कर्म हो रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैक्स ये हो गया। आगे देखिए, शी वॉज इन द किचन। तो शी वॉज इन द किचन का मतलब हो गया वह रसोई घर में थी। तो फ्रेंड, इसमें जो वॉज है हमारा ये हमारा हो गया क्या, हेल्पिंग वर्ब था कि वह रसोई घर में था या थी, तो ये थी जो है हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। शी के डायरेक्ट पार्ट मतलब सब्जेक्ट के डायरेक्ट पार्ट हमने इसका यूज किया है। देखिए, यू आर एबसेंट यस्टरडे, तुम कल अनुपस्थित थे। फ्रेंड्स, एबसेंट हुआ था अनुपस्थित मतलब अनुपस्थित, जो प्रेजेंट नाउ और प्रेजेंट मतलब उपस्थित। तो कल तुम कल अनुपस्थित थे मतलब कि यू वर एबसेंट यस्टरडे। ये वर्ब हमने डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद इसका यूज कर दिया है। फ्रेंड्स, देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं कि निगेटिव में सेंटेंस में इसका कैसे यूज हुआ है वॉज एंड वर्ब का। इसके पहले हम पहले अफर्मेटिव का रूल्स देख लें कि उसमें क्या क्या रूल्स हमको लगाने थे उस सेंटेंस में। देखिए, ही शी इट आई तथा एक वचनकर्ता के साथ वॉज का तथा यू वी दे और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करते। फ्रेंड्स, में बोल रहा है कि ही शी इट मतलब कि प्लूरल मतलब प्रोनाउन के साथ हम एक वचनकर्ता मीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे और यू वे दे के साथ बहुवचन मतलब कि प्लूरल के साथ हम वर का यूज करेंगे। फ्रेंड, उसमें भी हमने यही किया था उस सेंटेंस में, जैसे आप देख लीजिए कि ही शी इट्स, ये देखिए ही शी इट मतलब ये रवि जो था वो ही था, ही के साथ हमने वॉज का यूज किया था। फ्रेंड्स, और इसमें सिंगुलर नंबर मतलब बॉय जो है वो सिंगुलर है, एक इंसान के लिए बोला जा रहा है। ये देखिए मतलब ही शी इट आई तथा एक वचन करता के साथ वॉज का मतलब इसमें देखिए ही ये हो गया हमारा और वॉज ये हो गया हमारा, तब ही शी इट मतलब ही के साथ हम वॉज का यूज करेंगे, फिर इसमें जो बहुवचन मतलब सॉरी एक वचन यूज हुआ है लड़का जो है तो इसमें हम वॉज लगाएंगे, वर नहीं लगाएंगे। फ्रेंड्स, दूसरे वाले में देख लीजिए, जैसे दूसरा क्या था, और बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे, यू वी दे तो दे जो है ये दे का मतलब वे होता है। फ्रेंड्स, दे के साथ हम क्या वर्ब का यूज करेंगे और बहुवचन मतलब फॉर्मर्स जो हो गया ये हमारे बहुवचन में हो गए,
एक किसान नहीं ढेर सारे किसान हैं, तो उनका मतलब हो गया बहुवचन। तो बहुवचन के साथ वर्ब का यूज हो गया है फ्रेंड्स, देख लीजिए आप, सेंटेंस भी आपको मिल रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ये हमने देख लिया फ्रेंड्स। अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस में, मतलब कि नकारात्मक वाक्यों में। नकारात्मक वाक्यों में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस दोनों को दे दिया गया है। द गर्ल वॉज माई सिस्टर, द गर्ल वॉज माई सिस्टर, बट निगेटिव लिखा द गर्ल वॉज नॉट माई सिस्टर, नहीं, नॉट का यूज हुआ है। रामू वॉज माई सर्वेंट, रामू वॉज नॉट माई सर्वेंट, देखिए नॉट का यूज है निगेटिव के लिए। I was an officer, I was not an officer, not का यूज हो गया है, ये नेगेटिव सेंटेंस है हमारा। We were not players, ठीक है, not का यूज हो गया है, ये हम नेगेटिव का बता रहे हैं। She was ill, but इसमें क्या है, she was not ill, वह बीमार है, बीमार थी, इसमें वह बीमार नहीं थी। फ्रेंड देखिए, इसमें हम आपको ये हमने अफर्मेटिव या निगेटिव दोनों का मतलब बता दिया था इसी में मतलब पार्ट करके, बट ये निगेटिव का हमको बताना था मेन। तो निगेटिव में देख लीजिए आप फ्रेंड्स, ये निगेटिव में ही वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट लिखा है फ्रेंड्स, देखिए, तो वह एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था, वह एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था। तो मतलब देखिए इसमें जो है ही जो है हमारा क्या है, ये हमारा ही, हमने जैसे आपको पहले बता दिया था कि ही का ही शी इट के साथ हम एक वचन कर्ता के साथ वॉज का यूज करेंगे। ही जो है हमारा, ये हमारा हो गया प्रोनाउन है ये, वैसे तो ही शी इट, तो ही वॉज, ही के साथ वॉज का यूज करेंगे। और साथ में एक के बारे में बात हो रही है, एक वचन की बात हो रही है, स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, एक विद्यार्थी के बारे में बात हो रही है, तो इसमें वॉज का यूज हो गया, हमने वॉज लगा दिया। बट इसमें मेन चीज ये है फ्रेंड्स कि ये निगेटिव के सेंटेंस है, निगेटिव के सेंटेंस पे हम नॉट का यूज करते हैं, वॉज के डायरेक्ट बाद हम नॉट लगाएंगे। ये देखिए निगेटिव सेंटेंस में वॉज या वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करते हैं, ये हमने नोट में भी लिखा हुआ है, देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, शी वॉज नॉट योर सिस्टर, वह तुम्हारी बहन नहीं थी। इसमें देखिए शी है, शी के बाद हमने डायरेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब का सहारा लिया है वॉज, फिर वॉज के बाद हमने नॉट लिखा, फिर नॉट के बाद हमने अपना ऑब्जेक्ट लिखा है। तो इसमें जो नॉट है ये निगेटिव सेंटेंस को दर्शा रहा है कि ये नकारात्मक वाक्यों के सेंटेंस है, वाक्य है फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए रूल, अगर वाक्य क्या में क्या से प्रारंभ हो तो प्रश्नवाचक वाक्यों में वॉज या वर वाक्य में सबसे पहले लाते हैं, उसके पश्चात कर्ता सब्जेक्ट लाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसमें हम इंट्रोगेटिव के बारे में बता रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में इसमें हम बता रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए, अगर कोई वाक्य है उसमें क्या है स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, और प्रश्नवाचक वाक्यों में वॉज या वर्ड वाक्य में सबसे पहले आता है। जैसे कि इंट्रोगेटिव में जैसे क्वेश्चन पूछने वाला है, ये प्रश्नवाचक है, तो इसमें हम सबसे पहले ना ही सब्जेक्ट लिखते हैं, पहले हम इसमें वॉज एंड वर्ब का यूज, हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करते हैं, उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लाते हैं, पहला रूल ये था फ्रेंड। दूसरे रूल में हमने बताया कि अगर सेंटेंस में व्हाट, क्या, हु, मींस कौन, वेयर, कहां, व्हेन, कब, व्हाई, क्यों, हाउ, मेनी, कितनी, एक्सेट्रा आए, तो उसके बाद हम वॉज या वर्ब कर्ता के अनुसार और फिर कर्ता आदि लाते हैं। मतलब कि इसमें अगर ये सब वर्ड आ गए तो इसमें हम वॉज एंड वर्ब कर्ता के अनुसार लाते हैं, फिर बाद में कर्ता हमारा आता है, फिर बाद में हम कर्ता लिखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं फ्रेंड। देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव क्वेश्चन जो होता है उसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद हम डायरेक्ट ही नॉट यूज कर देते हैं। इसमें वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये तो फ्रेंड्स आपको पहले से पता है कि इंट्रोगेटिव में हम हमेशा से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, उसी समय पता चलता है कि हाँ ये इंट्रोगेटिव का ही क्वेश्चन है। फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसका। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस की होता है प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या होता है, हु वॉज इन द क्लास, हु वॉज इन द क्लास। फ्रेंड्स में देखिए वॉज जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वॉज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है,
और who जो है इसमें interrogative का ही word है. हमने बताया था who, where, when, why, how many, ये सब interrogative word है. तो who was in the class, कक्षा में कौन था. देखिए हमने subject के direct was, direct बात हमने इसका helping verb का use किया है. कक्षा में कौन था, who was in the class. second देखिए where was your father yesterday, कल तुम्हारे पिता कहाँ थे. मतलब बोला है कि where, देखिए where के पास हमने direct was का use कर दिया है helping verb का, फिर हमने अपना object या आगे sentence बढ़ाया है. दूसरा देखिए what was in your bag, तुम्हारे थैले में क्या था. तो what was, what पहले हमने लिखा है, फिर what के बाद हमने direct was helping verb का सहारा लिया है, उसके बाद हमने अपना sentence complete किया है, तुम्हारे थैले में क्या था. next देखिए why were the boy absent, boys absent, friends boys है ये है हमारा plural. तो लड़के क्यों अनुपस्थित थे, plural में हमने आपको बताया था plural में हमारा verb लगता है, verb के पहले हमने why लगाया क्योंकि ये subject है जो, मतलब ये हमारा why जो है पहले लगेगा फिर verb लगेगा. the boys absent, लड़के क्यों अनुपस्थित थे. friends ये हमारे के was and were के पूरे पूरे मतलब की सेंटेंस के मतलब पता चल गए हैं कि हम कैसे कैसे अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे इसका यूज करते हैं वॉज एंड वर. फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आपको बता रहे हैं, इसको आप ढंग से पढ़िएगा, अच्छे से आपको समझ में आए, जो ना समझ में आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं. फ्रेंड्स इसको बताने का हमारा मेन मकसद ये है आपको कि अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तो अब आगे हम आपको टेंस जो पढ़ाने वाले हैं कल उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. फ्रेंड्स टेंस में हेल्पिंग वर्ब की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स हमने इसमें आपको वॉज वर्ब के बारे में भी बता दिया है, हमने इज एम आर एंड वॉज वर्ब ये पांच हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको बता दिया है फ्रेंड. आगे हम आएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ. फ्रेंड्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ. और हाँ फ्रेंड्स जिन लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. और जिन लोगों ने हमारे मतलब बेल आइकन को नहीं प्रेस किया फ्रेंड्स प्लीज़ वो भी कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो आपको आसानी से हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.